आज भी राजीव दीक्षित की मृत्यु लोगों के बीच पहली क्यों बनी हुई है, क्यों नहीं इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई? राजीव दीक्षित एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों, बहुत बड़े बड़े राजनेताओं की पोल खोल के रख दी। इतना खुल के और इतना स्वच्छ, इतना साफ बोलने वाला इंसान था वो, जिसने हर उन मुद्दों पे खुल के बात की जिन मुद्दों पर एक आम इंसान बोलने से पहले 10 बार सोचता है, घबराता है कि अगर मैंने ऐसा बोला तो ये राजनीतिक पार्टियां ये वो क्या कहेंगी। पर उस बंदे में इतनी ताकत थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर राजीव दीक्षित आज के जमाने में होते तो आधे से ज्यादा इंसान ये विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देते। इतना उनका वर्चस्व कायम था, इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताते थे वो, एक एक कंपनी की पोल खोल के ज्ञान देते थे, पोल खोल देते थे पूरी तरीके से। ये विदेशी कंपनियां और यहाँ के कुछ भ्रष्ट लोगों ने मिलकर उनके साथ कुछ गलत किया है। मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यही एक बात है जो अचानक कहाँ गायब हो गए, कहाँ उनको एकदम मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना उनके ऊपर कोई बात हो रही है, किसी ने खुल के बात की, क्यों भाई? इसमें कुछ तो कारण, ऐसा महान इंसान की जरूरत है आज के टाइम में जो इन जो उन कंपनियों के पोल खोले जो हमारे लिए एक जहर के समान है। बहुत से प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जिन पर जो बिल्कुल बैन है पर फिर भी यहाँ धड़ल्ले से बिके जा रहे हैं, उन पर कोई तो ऐसा इंसान रिसर्च करके बोले। फिर से एक इंसान, भारत देश में एक ऐसे इंसान की जरूरत है, वो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं, वो बाकी में एक देव प्राणी था। नॉलेज इतनी गहरी कि कोई जल्दी जल्दी बहस करने की ना सोचे, बात काटना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो भारत तो भारत रहा, विदेशों तक में किसी की साइंटिस्ट तक की इतनी औकात नहीं थी कि राजीव दीक्षित के सामने उनकी बात काट पाए। राजीव दीक्षित ने कई बार विदेशी साइंटिस्ट को चुनौतियां दी थी और वो उन चुनौतियों में खड़े उतरे। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए, और उनसे उनकी जो वीडियोज है अभी भी यूट्यूब पे उनकी काफी वीडियोज है, तो उन वीडियोज को देखें जिससे कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या गलत कर रहे हैं। उनको औषधि विज्ञान की, नेचुरल औषधि विज्ञान की इतनी अच्छी उन्हें नॉलेज थी कि उन्होंने आधे से ज्यादा दुकानें बंद करवा दी एमबीबीएस वालों की आधे से ज्यादा दुकान बंद करवा दी उन्होंने। वो बोलते हैं कि अगर जिस चीज से हम घर पे ठीक हो सकते हैं उससे हम बाहर क्यों जाएं, क्यों जाना बाहर हमें उस चीज को लेने के लिए। तो मैं हर इंसान को बोलूंगा जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि आप राजीव दीक्षित की एक बार वीडियो देखें और उनसे सीखें कुछ ना कुछ जो आपकी हेल्थ को और ग्रो करेगा और बूस्ट करेगा। तो आपकी क्या राय है उस महान शख्स के लिए जिसने इन विदेशी कंपनियों की पोल खोल दी? अपने विचार कमेंट में बताइए जरा।